सिटी 42 अवामी सर्वे में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं और अब हम बात करेंगे लोगों के साथ। इस वक्त हम गुलबर्ग के एरिया में मौजूद हैं और यहाँ से जो है हम लोगों से पूछेंगे कि अगर बिजली महंगी होती है तो क्या उन्हें ऐसी महंगी बिजली कबूल है। आइए लोगों से बात करते हैं। बहुत गलत इकदाम है, इससे महंगाई का तूफान आएगा। ऑलरेडी आवाम जो है वो पिसी हुई है महंगाई में, आवाम ने कोई रिलीफ नहीं मिल रहा अभी तक इस गवर्नमेंट से। पहले बजट में अशिया महंगी हो गई हैं, बिजली महंगी होगी तो और अशिया महंगी हो जाएंगी। टैक्स लग गया, जीएसटी महंगा हो गया, जीएसटी बढ़ गया उसकी वजह से महंगाई होगी। तो ये बिजली बढ़ेगी तो और फिर महंगाई हो जाएगी इससे ज़्यादा। और आप क्या महंगी करवाए हुकूमत करेगी? अब तो फिर ये है कि हमारे कपड़े उतार लें, अगर हम ये काम करेंगे इसमें फिर रेट भी बढ़ाएंगे हम, तो आवाम और ज़्यादा जो है ना वो तंग हो जाएगी। इससे ज़्यादा और महंगी क्या करनी है आपने? ये तो वही सब हुकूमत को सोचना चाहिए कि बिजली कहाँ तक किस हद तक लेके जाएंगे। आ भी नहीं रही और महंगी भी करते जा रहे हैं ये। जिस हिसाब से महंगाई हो रही है ना, तो ये 30% से तो गरीब आदमी का और बड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ लोग तो हैं जिनकी आमदनी महदूद होती है, तो कुछ जो बेवाएँ हैं या जो और जो गरीब लोग हैं जिनका बमुश्किल गुजारा हो रहा है, तो इस बिजली ने तो उनका सफ़ेनाश कर देना है। तो हुकूमत को चाहिए कि बिजली पे सब्सिडी जो है वो आवाम को लाजमी दे, बल्कि गरीब तबके को ज़्यादा दे, और ये बिजली चोरी और ये जो लाइन लॉसेज हैं ये ख़त्म करें, बजाय इसके कि गरीब आदमी पे मजीद बोझ से बोझ डाल के उसकी ज़िंदगी जो है ना वो अजाब बनाए जाए। तो ये पीएम साहब से जो है ना रिक्वेस्ट है कि वो बिजली के मामले में ख़ास तौर पर जो ना उन्होंने आवाम से वादा भी किया था और हमने वोट भी उनको इसीलिए दिए थे, वो कुछ ना कुछ जो है ना आवाम को रिलीफ दें इस मामले में। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम पहले से ही बहुत ज़्यादा बोझ हैं, महंगाई की वजह से बोझ के नीचे दबे हुए हैं, तो हमारा बजट भी डिस्टर्ब हो रहा है उससे और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि आम तबके के लिए जो मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं उनका इतना ज़्यादा असर न डालें। आगे पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है, बिजली के रेट्स भी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हमने तो हुकूमत से यही उम्मीद रखी थी कि यह नई हुकूमत आएगी और जो है ना बिजली सस्ती करेगी, लेकिन यह हुकूमत जो है ना बजट में इसने बहुत महंगी कर दी और अभी भी इसके महंगा कर बिजली महंगा करने का ये इन्होंने कह दिया है। तो हम चाहते हैं कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, हम मजदूर लोग हैं तो बिजली सस्ती होगी तो हमारे तनख्वाहें या हमें आमदनी अच्छी मिलेगी। ना ये पिछले 5 सालों में कर सके हैं और ना ही नज़र आ रहा है कि आइंदा ये कर सकेंगे, तो सब बातें हैं। बाकी महंगाई अगर करेंगे तो और महंगाई होगी, पहले थोड़ी है महंगाई। बिजली के बारे में बताइए, आपको लगता है कि बिजली भी तो जब बिजली महंगी होगी, जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ ऊपर चली जाती है, तो ये जो 4-6 रुपए बढ़ाएंगे पर यूनिट तो उससे फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। जिसका बिल 1,000 का उसका वो 1,500 आएगा, 2,000 हो जाएगा। अब जो हुकूमत नए फैसला कर रही है बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए, इससे ना सिर्फ एक आम आदमी की बल्कि जो गरीब आदमी है उसकी तो ज़िंदगी जीरन बन जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो ये नए जो गवर्नमेंट जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाना चाह रही है वो कीमतें ना बढ़ाएँ, आम आदमी जो है वो उसकी ज़िंदगी जीरन ना बनाएँ। जी नाज़रीन, अवामी सर्वे के दूसरे रोज़ भी हमारी मुलाकात जितने मर्दों ख़वातीन से हुई, उनका कहना था कि अगर बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया तो आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी और हुकूमत को चाहिए कि बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा ना करे। इसके साथ ही अपने रिपोर्टर आमिर रहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।